कुछ लोग तो जज करेंगे क्या, ओ नहीं गाना चाहिए था, ऐसा हो गया। फॉर 10 ईयर्स आई वॉज नॉट नॉमिनेटेड ओनली एनीवेयर। टू सिंग दो सॉन्ग्स, वो भी शिल्पा के साथ, आई थिंक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट रहा मेरा इस साल का। तो ये बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता ही नहीं, लेकिन मैं जानती हूं क्योंकि आज मेरे साथ हैं टी सीरीज मिक्सटेप सीजन 3 के न्यू सॉन्ग दिल है कि मानता नहीं या नजर के सामने के फैबुलस सिंगर्स शिल्पा राव एंड यसीर देसाई। हाय गाइस, वेलकम टू स्पॉट बॉय। थैंक यू सो मच अदिति। सो हाउ इज द फीलिंग? आई हर्ड द सॉन्ग यस्टरडे एंड गाइस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब वो सारा नॉस्टैल्जिया पूरा आ गया वापस जो ग्रोइंग अप इयर्स में हमें गाने सुना करते थे, ऑल दैट केम बैक। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया, इट वाज फन। और 90s एरा इज बहुत ही गोल्डन एरा रहा है मेरे हिसाब से म्यूजिक के लिए, मतलब जब से मैं म्यूजिक सुनना चालू किया हूँ तब से। तो टू सिंग दो सॉन्ग्स, वो भी शिल्पा के साथ, आई थिंक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट रहा मेरा इस साल का। भले से अच्छा ना गया हो, बट दिस वॉज समथिंग मेरे लिए। शिल्पा, व्हाट अबाउट? वेल, आई इनफैक्ट कॉन्ट्रेरी टू दिस, आई नेवर सॉन्ग दिस सॉन्ग इन माई लाइफ। ओके, इट्स एक्चुअली माई फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड अभिजीत वगानी, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड, ही इज बीन अ Someone that I know for a very, very long time, and he said, you know, अच्छा ही हुआ तुमने कभी गाया नहीं इसको, because now that you sing it, it's going to be very like a first spontaneous reaction to the song. So it was super fun, and I'd heard Yasser's vocals before on the song, and it was such a fun shoot. Like I think one of the most like planned out tha, कुछ issues नहीं थे, we were there, we had so much fun shooting it, and I remember we had black coffee together also. Yes, we did. Black coffee, the like my kind of a guy who has black coffee without sugar or milk. Yeah, that's what it's supposed to be. So yeah, so for me, I think what I sang on the song was my spontaneous reaction, my first reaction to how I would sing the song. So I'm. It's always a pressure as well as a nervousness attached when you're recreating something like this, but thankfully people have liked it, and yeah, so much love for Yasser coming in. Yeah, it's so nice to read the comments. It's fantastic. Yeah, you sound like gold, man. Seriously, Yasser, आपने कितना pressure लिया इसको गाते वक्त? Did you feel like मतलब कैसे होगा? Not really. मैंने जैसे पहले बताया, मैं 90s के गानों पे बड़ा हुआ हूँ, तो ये सब गाने मैंने गाए हैं, और अभी भी मैं अपना इंस्टा जब लाइव करता हूँ आई सिंग 90s के, तो ऑफ कोर्स प्रेशर तो होता ही है, बिकॉज वी ऑल नो के लोग, कुछ लोग तो जज करेंगे क्या, ओ नहीं गाना चाहिए था, ऐसा हो गया, बट दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। तो मैं उस चीज का प्रेशर लेके गा सकता। आई सैंग द सॉन्ग बिकॉज आई लव देम सो मच, तो मैं इस अप्रोच से गा रहा था, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगा, इट वॉज फन, सुपर फन। तो आप दोनों को जब ये गाना ऑफर हुआ था, तो क्या पहली मेमोरी क्या आई थी आपके दिमाग में इस गाने से जुड़ी? समथिंग लाइक रियली इंटरेस्टिंग व्हिच केम कि यार चलो वाओ कि अच्छा हुआ ये गाना मिला गाने के लिए। सपोज टू सिंग सम अदर सॉन्ग्स, मैं कोई और दूसरे गाने वाला था, बट फॉर्चुनेटली मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर दिल है के मानता नहीं का एक ऐसी रैंडम गिटार कवर अपलोड किया था। अच्छा, एंड आई थिंक समबडी फ्रॉम द टी सीरीज टीम हर्ड दैट, and then they thought कि यार इसको वो गाने नहीं गवाते, ये बहुत अच्छा गा रहा है, इसको दिले के मानते नहीं गवाते। So that's how I got मानते नहीं, मैं कोई और दो ट्रैक्स गाने वाला था, but luckily I'm glad that I got these two songs to sing with Shilpa. Shilpa, आपकी कोई memories है while growing up इस song से जुड़ी, anything which you can remember? मुझे actually वो film बहुत अच्छे से याद है, जी, दिले की मानता नहीं। I think that whole पूजा भट्ट आमिर खान कॉम्बिनेशन एंड अनुपम खेर, आई जस्ट दैट फिल्म इज लाइक सॉर्ट ऑफ स्टेड विद मी, एंड मुझे अभी भी याद है लाइक व्हेनेवर आई लिसन टू दिल की मानता नहीं, लाइक वो तरबूज
Yeah, right. You know, the haystack and the tarbooz. So I think it takes you back in time when you were a kid and you used to watch these videos on TV and Chitrahar mein gaane bajte the and then we could watch it. And so there is this, the child within you always stays alive because of such things. So yeah, so the tarbooz is still in my head. Yeah. So चलिए क्योंकि मौसम बाहर इतना सुहाना है एंड ऑफ कोर्स आप लोग का काम गाना है. गॉड आई थॉट अबाउट दीस टू लाइंस टू राइट. यू आर अ पोएट एंड यू डिडंट नो इट. तो मैं एक छोटी सी क्विज खेलूंगी आप लोगों के साथ. अभी मैं एक गाने का अंतरा जो होता है, जो मिडिल लाइंस होती हैं, वो आपको गा के नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स आई कांट सिंग, लेकिन बोल के सुनाऊंगी और आप लोगों को गाना गेस करना है. जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है. ओके यासिर, गो फॉर इट. मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए. जी, हाउ डिफिकल्ट इज इट ना एक सिंगर को बोलना कि गाना मत गाओ. ही वाज अबाउट टू सिंग. बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतने तरसे के प्यास भी ना रही. दर पे सनम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए. चलिए नेक्स्ट है. जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं. यासिर पहली मुंडी हिला रहे हैं, मतलब मेरे को तो आंसर आई है, फर्स्ट लाइन पे आंसर गेस कर दो. हाँ, तुम्हारे जैसा है दिलबर, अब याद तुम्हें करते हैं और कोई काम नहीं. आजा आजा अब कैसा शर्माना, तुमसे मिलकर तुमको है. जी, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना. मुझे लग रहा है मेरा जो नेक्स्ट क्विज राउंड है ना, शायद शिल्पा उसमें बेटर परफॉर्म कर पाएंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट ये लास्ट है. अरे यार, मैं सही में कह रही हूँ, स्कूल से लेके अभी तक भी ना मेरा कंपटीशन लेवल और ये ना ठप है बहुत ज्यादा. तेरे दम से होगी दिल की मुराद पूरी, तेरे बगैर जानम है जिंदगी अधूरी. इट्स अ गोविंदा सॉन्ग और उदित जी का गाया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी यार, हैंड्स डाउन जीती जाइए ये राउंड, गेस कर लीजिए. हम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, आना ही पड़ा सजना, डाली दिल की लगी. चलो सुना रहे हैं, which one, which one, which one? बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, मर मिटेंगे हम. हाँ, very beautiful. हाँ, yes, yes. चलिए, तो ये राउंड तो यासिर क्लीन स्वीप हो गया, वो लेकर गए. लेकिन नेक्स्ट राउंड जो है, जैसे एक्टर्स होते हैं उनको, मतलब उनके बीच में केमिस्ट्री होनी जरूरी होती है, तो जो दो सिंगर्स होते हैं उनके बीच में तालमेल, इट्स इम्पोर्टेंट, यू नो, दे शो दैट इक्वेशन. तो अब मैं आप दोनों से एक दूसरे के बारे में क्वेश्चंस पूछूंगी. एंड शिल्पा प्लीज, ये तो आपको आना चाहिए सिंस आप दोनों ने काम किया एक दूसरे के साथ. तो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? पर्सनालिटी क्विज एंड आई कैन प्रोबब्ली हैव अ शॉट एट इट, बट दैट्स अबाउट इट. शुड वी गो, लेट यासिर गो फर्स्ट. क्या बात, एक मैं गा सकता हूँ या नहीं गा सकता? नहीं, गा नहीं सकते यार, सॉरी. इतना खूबसूरत गाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शिल्पा, यही है ना एक लॉ जिंदगी की? नो, सो इट्स नॉट योर फर्स्ट सॉन्ग, यू टोल्ड योर फर्स्ट सॉन्ग. नो, इट्स नॉट माय फर्स्ट सॉन्ग. चलिए, मैं बोलने वाली थी कि ये तोसे नैना ही उनका पहला अनवर का गाना ही उनका पहला था. बड़ा अनवर आमिर के. अच्छा यार, अनवर आई थी तोसे नैना. हाँ, करेक्ट, दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग. हीरो बन के मैंने जवाब दिया, वो भी गलत. कोई बात नहीं, नेक्स्ट फ्यू मोर. हाउ मेनी अवार्ड्स हैज शिल्पा वन इन हर प्लेबैक सिंगिंग एज अ प्लेबैक सिंगर? कितने अवार्ड्स जीते हैं अभी तक शिल्पा ने? एक यार, ये तो मेरे को भी नहीं पता है, ये तो मुझे भी नहीं पता. क्या आई एम श्योर डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर दूंगा, बहुत सारे जीते हैं शिल्पा ने. 1 to 5, 5 to 10 का एक रेंज वी कैन फिट इन. मेरे ख्याल में 9 या 10. शिल्पा, क्या सही है? नो, आई एक्चुअली इन माय करियर
for 10 years I was not nominated only anywhere. Where I've actually done songs like, yeah, Ek Law, I've done songs like Meherba, I've done songs like Malang, Manmarziya. Ji. Bulia. There was no nomination whatsoever anywhere. But then, yeah, I think Gungungru ke saath, like, we just like broke the whole thing again. So, yeah. इनका आंसर सही था कि नहीं है गलत नो इट्स 1 to 5 वाला ब्रैकेट 1 to 5 वाला आई व्हाट आई फाउंड ऑन गूगल वाज अराउंड लाइक दिस ईयर 4 आई थिंक दिस ईयर आल्सो लाइक ग्रैमी नॉमिनेशन बट आई वी डिडंट विन बट वी जस्ट वाज वर नॉमिनेटेड सो दैट्स अबाउट इट सो वी मिस दैट आल्सो बट होपफुली समडे होपफुली चलिए नेक्स्ट वन शिल्पास फेवरेट जॉनर ऑफ म्यूजिक सबसे ज्यादा जॉनर उनको कौन सा पसंद है ये तो पता गजल हां मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग खुदा जाने उनका को सिंगर कौन था इस गाने में अरे के खुदा नहीं गा सकता मैं applaud KK yaar I mean he's such a beautiful singer ji what a guy appreciation perfect I just love him yeah next one शिल्पा ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे प्रियंका चोपड़ा को विश करते हुए पियानो पे एक गाना गाया था वो गाना कौन सा है फिर ले आया दिल नहीं अनजाना अनजानी हाँ तुझे नहीं व्हाट तुझे भुला आहिस्ता आहिस्ता ये दिल कहीं खो गया आहिस्ता आहिस्ता मुझे यकीन हो गया ये तो शिल्पा का गाना है आई डोंट थिंक वी विल टू गेस दैट सॉन्ग दैट्स फ्रॉम बचना है सिंगर दैट्स श्रेया अच्छा तू ना जाने आसपास है खुदा नो मैंने सारी एल्बम किया कौन सा गाना एक गाना बचा है अभी भी शिल्पा यू टू आई हैव टू सॉन्ग्स आई हैव टू सॉन्ग्स इन दैट एल्बम वन वाज आई फील गुड एंड वन वाज अनजाना अनजानी विद विशाल सो आई सैंग आई फील गुड I feel good, yeah. But that was such a good album, yeah. Anjana Anjani, I think one of my most favorite albums. Like Hairat and yeah, Hairat was such a like a fantastic song, yeah. So decently performed kiya Yaseen ne. Matlab pehle round mein to ekdam hands down jeet liya unhone. This was also not bad. But if it is a personality thing, then I think people will win. When you're talking about trivia, yeah. That's yeah. Pinpointed questions थे। हाँ, थोड़ा तो difficulty level मुझे बढ़ाना पड़ा ना आपके लिए। आपने पिछले round में इतने सारे सब कुछ guess कर लिया। चलिए, शिल्पा, should we start with you? Which year did Yasir start his Bollywood singing? कौन से साल पे उन्होंने Bollywood singing start की अपनी? Yasir, तुम कितने साल से गा रहे हो Bollywood में? अगर तुम बता पाओ? मैं चार साल। हाँ, तो 2017 Easy question. That was smart. Okay. Next one. Next. Has Yasir sung Pallo Latke or Twist Kamariya or both? I'll go for both. That's right. I think you're getting in the groove now. Chaliye. First answer aapko correct mila. Very good. Next one. Which song from Jawani Jaane Man starring Saif Ali Khan has Yasir sung? Us album ka kaun sa gana unhone gaya tha? बहुत ही फेमस था और बहुत ही अच्छा सॉन्ग था यासिर यू हैव टू हेल्प मी आउट मैं खुद सोच रहा हूँ व्हाट जवानी जाने मन जी लेटेस्ट जिसमें वो सैफ अली खान जी ओ ओ ओ हाँ याद आ गया आपको आई एम हैप्पी ऐसा गाना था ना बंधु तू मेरा यस इट्स अ लवली सॉन्ग अच्छा आई हियर इट टुडे देन आई हियर इट यस इट्स वेरी नाइस आई हैवंट हर्ड इट I'm going to hear it. Yeah. Who is Yasir's favorite music composer? Aaj ke generation mein ya purane generation mein koi bhi matlab anything. Aaj ke composers mein I can take a shot. But purane ka mujhe nahi pata. You'll have to say yes or no to that. Because either Pritam or Rehman sir, either one of them. Is she right? Shankar is on the यार मतलब कुछ आई टोल्ड यू यार आई वेरी सैड बोल देते बेचारी कि कहीं कौन आंसर सही हो जाता नहीं नहीं इट्स फाइन वी शुड टेल द ट्रूथ इट्स ओके
नेक्स्ट मुझे लग रहा है ये लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए क्योंकि थोड़ा सा अगेन पिन पॉइंटिंग वाला है. इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे थोड़े दिन पहले एक कवर टाइप का सॉन्ग गिटार पे अपना बैक साइड टुवर्ड्स द कैमरा पोस्ट किया था खिड़की पे खड़े होके. इस गाने में सुनील शेट्टी है, वो कौन सा गाना था? यासर भी सोच रहे हैं, ये तो मैं भी भूल गया. शहर की लड़की. इट्स अ स्लो वेरी रोमांटिक वेरी नाइस सॉन्ग. एक नंबर जिसमें सुनील शेट्टी एकदम एकदम एक्सप्लोसिव रोल में है जी. और मूवी है, बहुत सारे एक्टर हैं उसमें. अनु मलिक का एल्बम वॉर पे बेस्ड है, इंडो पाकिस्तान. आपको याद आ ही जाएगा. आपको बॉर्डर का गाना है ये जी. संदेश से आते हैं नहीं ऐसा लग रहा ना मैं एग्जाम में बैठी हूँ और यहाँ पर ना मेरे सारे टीचर्स बैठे यहाँ पर. हाँ बेटा ये लिखो, बेटा ये लिखो, बेटा ये लिखो, ये चल रहा है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. बाय गाइस. थैंक यू.